मुझको मिले कोई सोचो मैं छुप छुप के मुझको मिले कोई सोचो मैं छुप छुप के मैं भी खुद में गुम हो जाऊं I tell you मुझको भी लगता है ऐसे It's all about love It's all about love ये आइंदा मेरे ऑफिस में आता एक कचौरी बेचने वाले को वो मेरा बॉयफ्रेंड कह रहे थे ओ भूरी तारे को मारे से मिलने में शर्म आवे ना ई कचौरी बाड़ा आज के बाद तारे को सकल भी ना दिखावेगा क्योंकि मैं मंझले भाई के छोटे भाई सुल्तान को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ अरे कोई शादी वादी नहीं हुई इससे मेरी कोई निकाह नहीं हुआ वो तो कोई मुगले आजम था उसने कहा था मुझे ये सब कुछ करने को हे मुगले आजम ने बात कर सीधी तरह बात देख हमी ये घर वैसे भी मेरा है ना तो इसे मेरे नाम कर दो मुझ पे उठाया ना बुढ़िया ने चाकू अभी बताती हूँ अबे क्या है फोन क्यों नहीं उठा रहे थे इतनी देर से अबे गाग को फलूदा बना के दे रहा था अब तेरा फोन सुन लूं या गाग को भुगता लूं मैं चाहे इतनी देर में मेरा दम ही निकल जाता अबे ऐसे कैसे निकल जाता तेरा दम क्या हुआ है ए जुगनू जल्दी से घर आ जाओ ऊपर छुरा लिए मेरे पीछे पीछे घूम रही है कातलाना हमला किया उसने मेरे ऊपर क्या क्या कह रही हो तुम वही जो तुम सुन रहे हो कब आओगे जब वो मेरे पेट में छुरा घोंप देगी अच्छा तू ऐसा करके दरवाजा बंद करके ना कुंडी लगा ले तुम तेरे शराब 15-20 मिनट में चला जाएगा फिर तू बाहर आ जाइयो अरे मैं तो छत पर आई हूँ तुझे फोन करने अरे लड़ लड़ा के मामला निपटा दे तारा गाग खड़ा मैं जरा उसको डील कर लूँ यार हाँ जब वो मुझे छुरे से मार देगी ना तब आएगा तू नहीं बे तू इतनी आराम से छुरी खा लेगी जानता हूँ मैं तुझे भी अबे एक तो साला ये मंझला जो है पहले मेरा बिजनेस खराब कर रहा है ऊपर से तेरे इशू नहीं खत्म हो रहे यार हाँ अगर मैं मर गई ना तो पुप्पो के दिल के अरमान पूरे हो जाएंगे और तुम्हारी भी तो दूसरी शादी के दरवाजे खुल जाएंगे जो मैं होने दूंगी नहीं अबे नहीं करूंगा दूसरी शादी अभी कुछ पुप्पो को मैनेज कर ले यार तेरी मेहरबानी अच्छा तुम वादा कर रहे हो ना घर आके पुप्पो से लड़ोगे अबे जाहिर है क्यों नहीं लड़ूंगा आखिर का कातिलाना हमला किया उसने तेरे पे चल बंद कर तो घाक खड़ा सारी बातें सुन रहा है फिर मैनेज कर ले जरा तेरी मेहरबानी चल ओके चलो ओके अल्लाह हाफिज चल भाई जल्दी कर धोना भी है मैंने वो तो जिगर का नासूर बनती जा रही है भाई मैं सोचती हूँ अगर वो औरत सचमुच में मेरी माँ निकलती तो क्या सोचती हूँ अभी उसने कौन सा माँ बनना है अभी और ना ही मैं उसे कोई माँ समझने वाली हूँ कौन है खोल कट्टो मैं हूँ सोनिया आई आजा गर्मी तो देख कैसी है और बता तबीयत तबीयत ठीक हुई तेरी उल्टी चक्कर खत्म हुआ देख कट्टो मेरे से इस बारे में मजाक ना करना अभी बूढ़ी बाजी गई है तो मैं तेरे पास आई हूँ चलो थोड़ी देर बातें करूंगी तो दिल बहल जाएगा ओहो तो बस ना आ गई ना बहला ले अपना दिल कर ले मुझसे बातें बस तो थोड़ा सा काम है वो निपटा लेती हूँ फिर बैठ जाते हैं इसे बात बता तेरी तबीयत खराब क्यों हो रही है यार कट्टो मैं तुझे क्या बताऊं सुल्तान के मिलने की उम्मीद तो मुझे पहले भी नहीं थी लेकिन अब जब से ये सारी चीजें क्लियर हुई है ना मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो है सही कह रही है तू दिलों से प्यार की दूरी बर्दाश्त नहीं होती काम करना तू फोर्स क्यों नहीं करती सुल्तान को उस लालच के मारे ने ना मुझे पहले ही मना कर दिया था तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं वैसे मैंने सोचा कि अगर तो छन्नो फुफो के पांव पर जाऊं या हाथ जोड़ लूं तो शायद वो मेरा काम कर दे वो कैसे करेगी तुझे पता है वो ना चौकी लगाती हैं और उन पर कोई बाबा जी आते हैं मोहल्ले की इतनी औरतें उनके पास जाती हैं कि काम हो जाता है अच्छा हाँ तो वैसे भूरी बाजी का इसके बारे में क्या ख्याल है ठीक ही तो कहती है सोनिया वो अपर क्लास में एडजस्ट नहीं कर पाएगी कट्टो नीलोफर सोनिया
कलीम भाई की वाइफ, वो इन्हीं लोगों में रही है और अब तो वो खुद भी अपर क्लास नहीं लगती, इन्हीं के जैसे लगने लग गई है। मैं तो उसके लिए इस तरह परेशान होने लगी हूँ जैसे मेरे पास कई रिश्ते हैं अपर क्लास के उसके लिए, मुझे तो अभी तक खुद नहीं मिला। क्या किया जाए? एक काम मैं कर सकती हूँ, मैं उसकी मोहब्बत उसे दिला सकती हूँ, तो फिर क्यों ना मैं एक भरपूर कोशिश करूं कि मेरी बहन को उसका प्यार मिल जाए। देख जुगनू, आज मारे से लड़ाना तो अच्छा ना होगा, आज मारा मीटर शॉर्ट है, चल जा। अबे यार मैं लड़ने नहीं आया, तुझसे बात करने आया हूँ यार। हाँ बोल। आज पुप्पो ने तेरी भाभी पे कातलाना हमला कर दिया यार। तक का बात करे तू, वो तो चढ़ फिर भी ना सके और तारी जोड़ो इतनी मासूम ना होवे कि उस पे कातलाना हमला होवे, और जब सवारी आवे ना उस पे। रुक जा, दो मिनट के बाद आना हमारा करने, हमारी बॉयफ्रेंड का फोन है, चल जा। किसका? हमारी बॉयफ्रेंड का फोन है, जा। ये क्या हो गया इसको, बॉयफ्रेंड? अल्लाह बेहतर जाने भाई। बोल बुरी। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे मंजुले? तो जब तारे को मारे से प्यार नहीं है तो तुम्हारे को फोन क्यों करे? ऐसी बात नहीं है मंजुले, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम मुझे कहीं बाहर मिल सकते हो? किधर? हमारे ऑफिस के पीछे एक आंटी पार्क है, क्या तुम वहां आ सकते हो? भाई वाह, गाना तो बड़ा अच्छा लगाया हुआ है बैकग्राउंड में। बताओ, हमने तो तुमको दिल दे दिया, अब तुम हमें क्या दोगे? इस दिल में बटी है इस दुनिया, अब तुम बताओ ताल हो दे। कुछ नहीं, बस 50 का इजी दो। अरे मैं कह लूं दिल में बटी है इतनी बड़ी दुनिया और तुमसे 50 रुपए का बैलेंस मांग रही हो यार। तुम बताओ तुम्हारी जेब में 50 रुपए हैं? मुझे तो नहीं है। हाँ तो जो इतनी बड़ी दुनिया है ना तुम्हारे दिल के अंदर, जाओ इस दुनिया को बेच आओ और जो 100 रुपए मिले ना तो 50 का इजी लोड खुद करवा लियो और 50 का इजी लोड मुझे भी करवा दियो। रख रही हूँ मैं फोन। अरे अरे बात तो सुन। अजीब दिमाग खराब करके रख दिया है हुमायूं तोतले ने, इससे बात करके तो मुझे मेरा अपना हुमायूं सईद इतना याद आ जाता है। सोनिया क्या कह रही थी कि छन्नो पप्पू के अलावा भी है कोई मोहल्ले में जिस पर सवारी आती है? अगर उससे अपना हमारे से मांग कर देखूं तो? चल पप्पू। जब माल बिकेगा तभी आऊंगा ना मैं, हैं? कर गया होगा वो टैंकी खाली, तो धंधा ठंडा चल रहा है, ऊपर से साला मेरे सारे गाहक तोड़ता जा रहा है वो। तो तुम भी कचौरियां पकोड़े बेचो। हाँ तो तू तल के देगी मुझे कचौरियां पकोड़े? तो वो कौन सा खुद तलता है, ऑर्डर पे तैयार करवाता है ना माल, तो तुम भी ऑर्डर पे तैयार करवाओ। अरे छोड़ उसे, सारा दिन वो मेरे सामने होता है, हैं? आलूदे की वजह से हाथ तो मेरे ठंडे होते हैं मगर कलेजा सड़ा होता है मेरा उसे देख देख के, और तूने भी आते ही उस मनहूस का नाम लेना शुरू कर दिया। ओ मेरे मालिक, मैं कहां चला जाऊं, समझ नहीं आ रही मुझे।
अच्छा दफा करो उसको, ये छनो पुप्पो का ना कुछ करना पड़ेगा। आज तो जुगनू ने बड़ी खतरनाक हरकत की है। वो तो मैंने तेरे फोन के बाद ही सोच लिया था कि जहर को जहर ही मारता है। क्या मतलब? अबे वो अपने इलाके में सन्यासी बाबा नहीं बैठता, वो कोने वाली बिल्डिंग में, वो जो झाड़ फूक करता है, जिन उतारता है, वो वाला। हाँ हाँ वही वही, उसके पास चलेंगे, वही निपट लेगा तुंतने शाह से। पैसे थोड़े लग जाएंगे मगर वो का मिजाज ठीक कर देगा वो। अच्छा तो मुझे कब लेके चल रहे हो? सवेरे तैयार हो जा, तुझे साथ ही लेके चलता हूँ मैं। चल अब इस टीवी को बंद कर ले, खुदा का नाम है कुछ खाने के लिए दे दे, सारे दिन से थका हुआ आ रहा हूँ मैं, सारे दिन से मेहनत करके आ रही हूँ। भाई हक हलाल की कमाने का तो अपना ही मजा है भाई, दर्द तो हो गया लेकिन स्वाद आ गया। मुस्कुरा रही है, बुरा गा रहा हूँ ना? वो ना कल हुमायूं भी यही गाना गा रहे थे मेरे लिए, तो बस याद आ गई उनकी। ए? हुमायूं ये गाना गा रहा था? अरे ये तो बाप बेटी का गाना है। मेरा मतलब ये है कि वो उनको गाने का शौक है ना, तो ऐसे गुनगुना रहे थे वो। सिर्फ गाना ही सुनाता रहता है, वो बात भी आगे बढ़ा रहा है। पर ये सब छोड़ो, मुझे एक बात तो बताओ। पहले जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, उसके बाद तेरी बात सुनूंगा। बताओ। नहीं पहले तुम मेरी बात का जवाब दो, मुझे बताओ कि अम्मा क्या ये हीरो लोगों के साथ डांस भी क्या करती थी? जब ज़ाहिर है फिल्मों में काम करते हैं तो डांस तो करते हैं, लेकिन बेटा वो डांस बड़ा अच्छा होता था, वो सारी फैमिली के साथ लोग बैठ के देखा करते थे डांस। ऐसा बेहूदा डांस अब नहीं, ये जो अब हो रहे हैं ऐसा नहीं डांस था, वो क्लासिकल डांस होता था, एक रिदम के साथ डांस होता था, बकायदा उसके आदाब होते थे डांस के। हाँ डांस तो एक फन है, एक अदब है, एक आर्ट है। उस तरह का डांस हुआ करता था। किस तरह का? किस तरह? हाँ अब वो पुरानी फिल्म को निकाल के देख। आई नहीं ना, तुम मुझे करके दिखाओ। क्या तुम मुझे नाच कर दिखाओ ना अम्मा की तरह? हाँ बाबली हो गई। क्यों? बोलेंगे बाबे को क्या हो गया, बाबला कुछ आंख के देखेगा क्या करेगा? अरे कोई कुछ नहीं देख रहा, अब्बा करके दिखाओ ना। अरे क्या पागल हो गई क्या? अब्बा तुम्हें अम्मा की कसम है, उठो ना। बिल्कुल बच्चों वाली है। हां हां है है, बच्ची तो हूं मैं, उठो ना अब्बा। नहीं नहीं पागल, अभी नाच के दिखाओ। अरे दिमाग खराब हो गया अब्बा, उठो ना। तेरे लिए नाचता रहता हूं और क्या करूं मैं। नहीं अभी नाचो, अम्मा की तरह नाच के दिखाओ। अम्मा की तरह तो कोई और नाच भी नहीं सकता जितना अच्छा वो नाचते। तो थोड़ा तो दिखा दो। नहीं नहीं थोड़े से टुमके लगा दो, बदतमीजी नहीं। अब्बा तुम्हें अम्मा की कसम है, बिल्कुल ही पागल हो गई, बच्ची हो गई क्या? हाँ ना। लाओ तो नाच के दिखाओ। चलो अच्छा अच्छा तो खुश हो जाएगी। हाँ जा। मुझे नजर लग जाती है। आई अब्बा अच्छा अब्बा आराम से, अभी नहीं उठो अब्बा, आराम से बैठे रहो बैठे रहो। तेरा अब्बा 1.5 महीने के लिए गया बिस्तर में। माफ कर दो। बिस्तर ले आ या नहीं, मुझे ले चलो। चलो चल। अरे बैठ जाओ ना, बैठो भी।
अरे इतनी साफ सुथरी जगह पे आने की जरूरत क्या थी? तंज कर रहा। अरे तंज नहीं कर रहा, पर ये बता कि तुम्हारे को यहाँ पे लाई है, आने के बाद पैसे कौन देगा? मैं दूंगी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे किसी पार्क वार्क में तो बात हो सकती थी ना, इतने बड़े होटल में आने का क्या फायदा? यहाँ पर ये सोचो कि सुसरे पता नहीं बिल कितना बढ़ाएंगे और ढंग से बात भी ना हो सकेगी। ऐसा कुछ नहीं होता, सब चीजों की प्राइस मेंशन है, ये देखो। अच्छा कितने होशियार हैं ये, इसलिए करे हैं, बंदे को पहले बताओ कि पैसे हैं तो खाना खा, नहीं तो कट ले। अच्छा चल बता कि क्या बात करनी थी? इमरान मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा और मैंने अपना दिल टटोला पूरी सच्चाई से, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। पता है क्यों? क्यों? हमारे गांव में मौलवी साहब कम हैं कि आदमी जैसा जिसके साथ करे ना, वो आदमी भी पलट के उसके साथ वैसा ही करे। अब देख, मैं थारे से प्यार करूं ना तो पलट के थारे को भी मुझसे प्यार करना ही करना होगा। हाँ मगर मेरी एक शर्त है। अबे अब तू मेरे साथ शर्त भी करेगी? हाँ क्यों नहीं, चल बोल। ओ तमीज से चाचा, अपनी कहां से उठ के जाहिल आ जाते हैं, अपनी किससे बात कर रही? तो ये मनोज शाम के शुरू में नजर आ जाता है, पूरी रात खराब हो जाती है। ओए ओए दिमाग चल गया है क्या तेरा? इसे देखकर मेरा माथा घूम जाता है और खून खोल उठता है। अरे क्यों भाई, हुमायूं सईद को देखकर तेरा खून क्यों खोलता है? बस बता नहीं सकता, घरेलू मामला है। अबे हुमायूं सईद से तेरा घरेलू मामला क्या मतलब? पुलिस लगा के वो मेरे चोरी चोरी डाल रहा है, मेरा खुद ही खुलेगा तो और क्या होगा? चोरू चोर डाल रहा है, घरेलू मामला ये बात सुन। अबे अगर तू ये कहता कि भाई मेरी भी जोरू जो है ना वो फैन है हुमायूं सईद की, तो बात समझ में आती ना। बड़ी अफसोस की बात है चाचा, मेरे होके गुन उसके गार है। अबे वो कीन में क्या सीधा होना भूल गया क्या? रक्षे से उतरा होगा और उतर के सीधा ही होना भूल गया। मेरी अकल तो काम कर रही है, मुझे तो पता है क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। इसका मतलब है तुम कुछ भी नहीं करते हो तो तुम्हारी अकल ही नहीं है। अबे ये कुबड़ा आशिक क्यों बना हुआ है ब्रिज लगा के? कुबड़ा आशिक नहीं बना हुआ, चुप चुप पड़ गई, चुप पड़ गई, चल बे ओ चले गया मुगले आजम के हिसाब में। अब तुम्हें तो तमीज सिखा नहीं सकते, घर का जो मामला हुआ। क्या बोल के गया घर का मामला क्या मतलब? ये वकूफ का बच्चा है, अपने आप को वैसे जहनी तौर पर मेरा दामाद समझ रहा है और मुझे अपना सुसर समझ रहा है। कट्टो से शादी? हाँ ये क्यों बंद पड़ा हुआ भाई? अरे भाई टीवी तो ऑन कर दे, शायद हुमायूं सईद नजर आ जाए। घर टीवी देखकर आया करो ना, ये ले। हाँ भाई हो सकता है हुमायूं सईद नजर आ जाए, हम भी लोगों को कैसे के हमारा होने वाला दामाद है। हाँ ये छोटा वाला मीठा है क्या? हाय अब्बा, हाय अब्बा। और मंजिला जो है ना वो मुझे सोनिया के साथ शादी करने के लिए कन्विंस कर रहा है। अंजला सोनिया के लिए कन्विंस कर रहा है?
हाँ भाई अब बता, तुझे मुझसे क्या बात करनी है? सलूम, बात यह है कि मारी ना एक बॉयफ्रेंड है। क्या कहा तूने? बॉयफ्रेंड? अबे ओ देहाती, तेरी बॉयफ्रेंड कैसे हो सकती है? अरे इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात है? क्यों मारे को किसी से प्यार ना हो सके? अरे ऐसी बात नहीं है, अगर लड़की फ्रेंड हो तो वो गर्लफ्रेंड कहलाती है और अगर लड़का फ्रेंड हो तो वो बॉयफ्रेंड कहलाता है। अरे मारे को उल्लू समझे का? सुसरा, अगर ऐसी बात होती तो वो मुझे ना बताती, पढ़ी लिखी है। चल जैसे तेरी मर्जी, चल बता बात क्या। उसने मेरे साथ शादी करने की दो शर्तें रखी। एक तो ये होगी ना कि तू ये अपना देहातीपन छोड़ दे। तारे को कैसे पता चला? यही तो बोल रही थी कि पढ़े लिखे लड़के बन जाओ। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त बड़ी है, अगर तारे मगज में उतर जाए तो। क्या है बता? देख जैसे हम दोनों भाई हैं ना, वैसे वो दोनों बहने हैं। वो कवे है कि बड़ा भाई बड़ी बहन से शादी कर ले और छोटा भाई छोटी बहन से शादी कर ले। हाँ? क्या नाम है लड़की का? कौन, थारे वाली या मारे वाली? अबे तू किसी का भी बता दे, इलाके की ऐसी कौन सी लड़की से सल्लू नहीं जानता। मारे वाली का नाम तो भूरी है। सोनिया की बड़ी बहन भूरी? अरे अरे को तो वाकई मोहल्ले की सारी लौंडियों का पता है, क्योंकि सोनिया तो पहले ही मेरे पीछे पड़ी हुई है और अगर नहीं भी पीछे पड़ी होती ना तो पूरे इलाके की आधी लड़कियां तो तेरे भाई पे फिदा हैं। और बाकी आधी लड़कियों? क्योंकि बाकी आधे इलाके में लड़कियां हैं ही नहीं, सिर्फ लड़के ही हैं, और अगर लड़कियां हैं भी तो उनकी शादी हो गई है। अच्छा अब तुम्हारे को फाइनल बता दे कि तू सोनिया से शादी करेगा कि नहीं करेगा। चल ये तो मैं तुझे कुछ सोच के जवाब दूंगा। चल ठीक है, जो भी सोचना है थोड़ा जल्दी जल्दी सोच ले, रात बहुत होगी, चल के सोच ले। हाँ ले बे तारा, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? एक क्या मतलब, ठेला नहीं लगाऊंगा क्या? कल मैं मरते मरते बची थी, तुझे बताया था ना मैंने, पुप्पो ने कातिलाना हमला किया था मेरे ऊपर, याद कर? अबे हाँ यार, तुझे तो सन्यासी भावे पे लेके जाना था। तू ऐसा कर जल्दी से तैयार को छोड़ दे, तू जूती चेंज कर ले बस, और मैं पुप्पो से पूछता हूँ क्या हरकत की उन्होंने तेरे साथ कल। ओए जुगनू, अच्छा सुन, तुझे पुप्पो ये जरूर बोलेंगे कि उन्होंने छुरी हाथ में नहीं उठाई थी, मगर ना तू उनकी बातों का यकीन नहीं करना, तुझे पता है ना तारा झूठ नहीं बोलती। हाँ पता है तू झूठ नहीं बोलती, चल अब जल्दी से तैयार हो जा और मेकअप करने ना बैठ जाइयो, मैं तेरा पप्पू की खबर लेकर आता हूँ। मैं 5 मिनट दे तू मुझे, ये तो बाद में उठा लूंगी, पहले तैयार हो जाती हूँ, मजा आएगा। पहले ना ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद हल्का सा मेकअप। जरा देखता हूँ पप्पो है क्या। हाँ लगी जंतर मंतर पढ़ने में। ए कीड़े पड़े तेरे जुबान में, ये सोम सारा बात को तू जंतर मंतर बोल रहे है? अल्लाह ना करे अगर हक की बात कर रही है तो लगे, वरना तेरे मंतर तुझ पे ही उल्टे पड़े। ये क्या हरकत की तूने कल? अच्छा लिखा पढ़ा कर भेज दिया जोरों ने है? और तू चढ़ाए लेकर आ गया जोरों के गुलाम। तुम अपनी हरकतों से बाज ना आना पुप्पो। अब पुप्पो में क्यों कह रहे हैं? ऐ जूते उठा, मार मेरे सफेद बालों पे। ए कौन से सफेद बाल? ए बोतलों की बोतलें खाली कर दी तूने खिजाब की, बल्कि मुझे कल मिला वो कबाड़िया बोल रहा था इस घर से सबसे ज्यादा खिजाब की बोतलें निकलती है। 6 महीने बाद खिजाब लगाया मैंने, और ये जो बोतलें खाली होती है ना वो तेरी जोरू करती है, जोरू जाके उसी से पूछ। आ वो तो नाम की तारा है, वैसे तो टूटा हुआ सितारा है। पुप्पो सारी बातें छोड़, तूने हरकत क्या की कल? हैं
ये तारा पर कातिलाना हमला कर दिया तूने? हाँ, आए मैं मर जाऊँ, मैंने कातिलाना हमला किया उस पर, मैंने। अरे कितना झूठ बोले हो। सही सही बोल रही थी तारा कि तुम मुकर जाओगी, बल्कि मुंह पे मुकर जाओगी। हाँ, वो तो दिन को भी रात कहेंगे तो तुम रात कहेगा, दोपहर कहेंगे तो दोपहर कहेगा। मेरा तो आप कोई गवाह है नहीं, अनारकली की अम्मा थी और सखत मेरे साथ, जाके उसी से पूछ ले। भाई मैं क्यों जाऊँ किसी से पूछने के लिए? ए बुफो, इस घर में रहना ना तुम दुश्वार कर रही हो, मैं तुम्हें बता दूं। दुश्वार तो तुम भतीजों ने मेरी जिंदगी का कर रखा है। हाँ, अरे मैं तो सिर्फ उठ के भागी थी उसके पीछे। अब मैं कहाँ भागी थी भाई? अरे वो तो तुंतने शाह भागा था ना, जाके तुंतने से पूछो। हाँ, अब इस तुंतने शाह से भी निपटना ही पड़ेगा मुझे, जा रहा हूँ मैं। क्या तो इसरा रहा है बोल के, जैसे मेरी कब्र खोदने जा रहा। वो तो काम अल्लाह ही करेगा, वो अल्लाह का काम है। मैं तो बस दुआ करवाने जा रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर से तुंतने शाह निकल जाए और कहीं तुम भी। मैं कूड़ी इतना बोझ बन गई तुम लोगों पर। लगी मगरमच्छ के आंसू बहाने, अब तू रोती रहे। ए तारा, ए तारा। मुस्तकीम भाई क्या हो गया यार तेरे को? चुप, ये बहुत दर्द हो रहा है यार। चुप को छोड़ यार, पायल को बात कर यार। काहे की बेवकूफों वाली बातें कर रहा है यार तू भी? यार मुगले आजम पागल हो गया है क्या, क्या? मैं चुप की बात कर रहा हूँ, तू बोल रहा है कभी पायल, कभी घुंघरू, कभी हथकड़ी, कभी बाजा। आई अबे देख भाई बात सुन, घुंघरू हथकड़ी बाजा ये सब छोड़ दे भैया, पायल को याद रख। मैं ये कह रहा हूँ 3 रोज तक बिलिक्स लगा के रोजाना 1 लात पड़वा, तेरी कमर अलिफ की तरह सीधी हो जाएगी। बाबा 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 लात तुझे और मैं बिलिक्स लगा के। अबे देख बात सुन, आदमी दवा पीता है ना बीमारी में, कड़वा घुट समझ के समझता है, तो ऐसे ही तू ये लात लगवा ले। हाँ। देख तेरी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी ब्लीच लगा के। और वैसे एक बात बताऊं मैं। हाँ? मुस्तकीम भाई। हाँ? कैसा कैसा वक्त है भाई। क्या ये वक्त ने तुझे मेरे सामने झुका दिया? देख देख नहीं। बोल क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहा है। हाँ? वक्त कौन सा वक्त तेरे सामने मैं झुकूं? आया ना, अब इतने नखरे ना कर, लात पड़वा ले ब्रिज लगा के। अब्बा क्यों अना का मसला बना रहे हो? हाँ, जो अना का मसला बनाते हैं ना जिंदगी भर उनकी अजाब हो जाती है। जो गधे को बाप बना लेते हैं ना उनकी जिंदगी कामयाब रहती है, बता रही हूँ मैं। बात सुन, ये तू अपने अब्बा से बात कर रही है या मुझे गधा कह रही ब्रिज लगा के? बेटा कट्टो तेरी बात सुन के आए, मैं राजी हो गया भाई, लात हमें मार दे लात भाई। राजी है ना तू? मैं राजी हूँ। तो फिर आ जा, बैठ जा। कैसे? घुटने के बल बैठ जा ब्लिक्स लगा के। अच्छा, आ जा। ये बैठ गया। उसके बाद हाथ जो जमीन पे रखो, उकड़ू घुटने तो रखो जमीन पे, ये अब झुको। आ गुड, 1। हाय अब्बा, हाय अब्बा। अबे तू क्या सुबह सुबह कर रही है यहाँ पर? My problem is that कि मेरा दिल चाह रहा है मैं शादी कर लूं। तो किसने मना किया तुम्हें शादी करने से? कर लो। से शादी करने को कोई मना कर भी नहीं सकता, अदाएं ऐसी पाई हैं। ओहो, तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि मेरा दिल चाह रहा है मैं तुमसे शादी करूं। देखो भाई, तुम्हारे हक में सिर्फ एक ही वोट है मेरे घर में, वो चाहती हैं कि तू इस घर की देवरानी बने, और मंजिला जो है ना वो मुझे सोनिया के साथ शादी करने के लिए कन्विंस कर रहा है।
मंजिला सोनिया के लिए कन्विंस कर रहा है। मगर मंजिला क्यों सोनिया के लिए कन्विंस करने लगा? अबे वो तो बड़ी खुशामद कर रहा था कि मैं सोनिया के साथ शादी कर लूं, और तो और वो फुफ्फो को भी समझा रहा था कि वो मुझे कन्विंस करे उसके साथ शादी करने के लिए। अरे यही तो मेरा सवाल है, मंजिला क्यों कन्विंस करने लगा सोनिया के लिए? उसका क्या लेना देना उससे? अरे मेरा क्यों तुम्हारा खा रही हो तुम? जाकर पूछो ना मंजिला से खुद ही। मेरा सरोकार तुम्हीं से है कि मुझे शादी तुमसे करनी है। अपने मकान के कागजात पहले मेरे हाथ पे रख और फिर बात कर। बड़ा धमकी वाला अंदाज था इस जुगनू का। मेरे को तो लगता है कि ये लोग मुझे घर से निकालेंगे। जुगनू चल मैं तैयार हूँ। आय हाय, आय ये लोग कहाँ जा रहे हैं? हमें जाके पता तो करो है। जुगनू। हाँ भाई क्या हो गया? आ रहा हूँ। वो इतनी तैयार होकर किसी के वलीमे में जा रही है तू? इस हुलिये में तू सन्यासी बावे को मिली ना, वो पुफो का जिन उतारे ना उतारे, इस हुलिये में तेरा आशिक हो जाएगा वो। अरे वो ये सुबह सुबह शादी पे जा रहे हो क्या? ए चल कमरे में कपड़े चेंज कर। जुगनू तू मुझे वहां से ना मेरे मैके छोड़ देना। तुझे बताया था ना मेरे भतीजे की मुसलमानी है। सही है, अब जल्दी चल, ताला लगा और फौरन आ। ठीक है रक्षे टैक्सी में चलते, फौरन आ चल। तुझे तमीज ना ही कपड़े पहनने की। हे पप्पो मैं जा रहा हूँ घर से, इसकी डुप्लीकेट चाबी तो नहीं बना रखी तूने? ध्यान रखी घर का। मौली के पास तो नहीं जा रहे मेरे बैग शिफ्ट नहीं करवाने के लिए? कह तो रहा था ये कि तेरा तुंतने मैं निकालूंगा, और आगे भी कुछ कह रहा था और तुम्हें भी, पर बोला नहीं। अब ये तुम्हें भी से क्या मतलब? हाय पुलिस के पास तो नहीं जा रहा कहीं? खैर कोई नहीं, कानूनी तौर से मुझे निकाल तो नहीं सकते इस घर से। कट्टो? हाँ कट्टो। हाँ सोनिया यार, तो वो कल बोल रही थी ना कि आखिरी कोशिश के तौर पर तू सुल्तान के लिए चंदू पुप्पो से चौकी लगवाएगी। हाँ लेकिन एक तो वो सुल्तान की फुप्पो है, ऊपर से चौकी लगाने के 400 लेती है। 400 रुपए तो मैं दे दूंगी, मगर सुल्तान की फुप्पो है वो। लेकिन तुझे पता है अच्छी बात यह है कि छन्नो पुप्पो को अनारकली बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो चिढ़ती है उससे। तुझे कैसे पता? मुझे अनारकली की बातों से अंदाजा हुआ। लेकिन कट्टो तू चौकी लगवाने के 400 क्यों देगी? क्योंकि मैं भी ना हुमायूं सईद के लिए चौकी लगवाऊंगी। एक तो तू पहले वजीफा कर रही है और अब तू चौकी लगवाएगी? अरे वजीफे ने सामने ले आना था ना, जो वो ले आया। अब जल्दी मामला तय हो उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा मुझे। मगर तू तो कह रही थी कि वो तेरे पर इतना लट्टू हुआ पड़े, तो फिर तू चौकी क्यों लगवा रही है? अरे तू बाल की खाल क्यों निकाल रही है? तुझे चलना है कि नहीं चलना तू ये बोल। अच्छा चल ठीक है, लेकिन हम शाम को जाएंगे, तब तक मैं अपने घर के काम कर लूं, तू भी काम खत्म कर लूं। चल ठीक है। मैं जुगनू और ये मेरी घरवाली तारा।
माशाल्लाह जुगनू और तारा क्या खूबसूरत जोड़ी। बस ये अल्लाह का करम है। हुक्म करें क्या मसला है? मेरी फुफिया सास है ना, यानी कि इनकी फुप्पो, वो हमारे साथ ही रहती हैं। उन पर ना तुनतुने शाह की सवारी आती है। तुनतुने शाह? भला इसका मजार कहाँ है? हाँ इसीलिए तो आपके पास आए कि वो जो कोई भी है, जिन भूत चुड़ैल जो कोई भी देवश हो, वो उन पे ना आए, यानी उन पे सवारी नहीं आनी चाहिए। इसके सवारी आती, नाम बताओ, उसकी उम्र बताओ। उनका नाम ना शहनाज बेगम है, सब छन्नो छन्नो कहते हैं उनको, और उम्र लगभग 50-55 इसी तरह। ठीक है, सवारी आने का जो मामला है उसके लिए जिन से रابطہ करना पड़ेगा। तो हाँ भाई बुलाओ ना, जल्दी करो, मैंने ठेले पे भी जाना है। ठेला लगाना है? क्या काम करते हैं? फलूदा बेचता हूँ मैं भाई। अगर ये काम कर दिया ना तुमने, तो एक काम और भी है मुझे तुमसे। हर काम परफेक्ट होगा, जो काम बताओ। मेरा छोटा भाई कचौरी पकौड़े का ठेला लगाता है, वो बंद करवाना है। ऐसी बहस लगाता है ना कि जी जल के रह जाता है मेरा। आज ही की देख ले, मैं लेट हो गया ना ठेला लगाने से, तो खुद बोरी को लेके घूम रहा है। जो बात करने आए ना वो बात करो, मेरे पास छन्नो फुफो के मसले के लिए आए यहाँ पे। हाँ वो पहले तुम छन्नो फुफो का मसला निपटाओ ना, तो ये मंझले वाला बाद में रख लेते हैं। जिन्नात को बुलाने के लिए भेंट देनी पड़ती है, भेंट में बखूरात वगैरह देनी पड़ती है। कौन सी रात देनी पड़ती है? बच्चे बखूरात खुशबुओं को कहते हैं। अच्छा खुशबू। और एक वक्त में 500 रुपए की खुशबू लगती है। हाँ भाई बड़ी बी ने बड़ा आजिज कर रखा है, देने ही पड़ेंगे 500। लो बाबा 500 रख लो। अब मैं तुम्हारा काम 5 मिनट के अंदर सवारी कराता हूँ। हक अल्लाह, हक अल्लाह। आजा, जल्दी आ। आओ आ ए आ आ आ आ या 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 शोशा आ ओ आ गया। जी अपा क्या खाएगी, कचौरी या पकौड़े? तुम्हारा सर। कच्चा खावेगी या तड़के? एक कौन सी बोली बोल रहे हो, ना अंग्रेजी ना अरबी ना फ्रेंच। अरे उर्दू आते? उफ तौबा, सही में ध्याती हो मंजले भाई। तारा नाम अनारकली तो नहीं है? कैसे पहचाना? सुल्तान ने बताया था, बड़ी इतरावे है। तराती शक्ल नहीं है मेरी, बहुत स्टाइलिश हूँ। अरे सर ठीक है, जो भी है, यहाँ पे क्या करने आई है? मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि तुम्हारी मेरे साथ क्या दुश्मनी है जो सुल्तान और फुफो को सोनिया के लिए कन्विंस कर रहे हो। देख सोनिया हमारी बॉयफ्रेंड की छोटी बहन है। भूरी बाजी, तुम्हारी बॉयफ्रेंड? भूरी बाजी तुम्हारी बॉयफ्रेंड कैसे हुई, वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुई ना। तू और सुल्तान जाए तो मैं क्या करूँ, भूरी इतनी पढ़ी लिखी है, उसने मारे को नहीं बताया तो मैं क्यों मानूं। अच्छा छोड़ो, मैं तो तुमसे बस ये पूछने आई थी कि तुम सुल्तान के साथ सोनिया की इतनी हमायत क्यों करते हो। देख सोनिया सुल्तान से सच्चा प्यार करे है। प्यार तो मैं भी करती हूँ, और असल में सही प्यार मैं ही करती हूँ सुल्तान से, इसलिए ये जानने के बाद कि सुल्तान कितना लालची और खुदगर्ज है फिर भी उसे माना जाती हूँ। तुम्हारे मुँह पे हमारे भाई को लालची कह रही है, साबित कर। पता है मुझसे कहता है कि अपना मकान मेरे नाम करो फिर शादी करूंगा। ये कब है ससुरा?